मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचडीबी सर्जरी मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। लिवर एक शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। दूसरे फंक्शन होते हैं प्रोटीन को बनाना, स्टोरेज फंक्शन जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स। ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट बहुत एडवांस सिरोसिस में चला जाता है जिसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, तब पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, बार बार बेहोशी छाना, या लिवर सिरोसिस की वजह से जब उसको किडनीज पर असर आने लगता है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। लिवर ट्रांसप्लांट तीन कंडीशंस में किया जाता है। एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर, जिसमें पेशेंट का लिवर पहले नॉर्मल था लेकिन किसी एक्यूट इंसल्ट की वजह से, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वायरल हेपेटाइटिस या ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से पेशेंट का लिवर फेलियर में चला गया है। दूसरी कंडीशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज, जिसमें पेशेंट का लिवर ग्रेजुअली खराब होता जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाता है। इसके मुख्य कारण जो हैं हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज या ओबेसिटी। तीसरा जो मुख्य कारण है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, जिसमें लिवर कैंसर है और उस पेशेंट का लिवर पहले से ही खराब है लेकिन उसमें अभी कैंसर डेवलप हो गया। ये कारण है जिसमें मेनली लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पेशेंट को पड़ती है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट दो तरह से हो सकता है। एक डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई पेशेंट जिसको मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन डेड है लेकिन हार्ट चल रहा है और उसकी फैमिली चाहती है कि मैं उसके ऑर्गन डोनेट करना, जिसे डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसमें पेशेंट का फैमिली मेंबर या रिलेटिव जो सेम या मैचिंग ब्लड ग्रुप का है, 18 से 55 साल की एज का है, बहुत ओवरवेट नहीं है और जिसको कोई मेजर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, वो अपने लिवर का पार्ट अपने रिलेटिव को डोनेट कर सकता है। जैसे ही पेशेंट और डोनर हमारे पास आते हैं, हम डोनर और पेशेंट का वर्कअप शुरू करते हैं। ये डोनर का वर्कअप जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। अगर पहली स्टेज में क्लियर हो जाता है वो, तो फिर वो सेकेंड स्टेज में जाता है। नॉर्मली अगर डोनर फिट है और पेशेंट फिट है तो उनके वर्कअप में हमें 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। उस वर्कअप के बाद हम उनको कमेटी में पुट करते हैं। कमेटी अगर क्लियर करती है तो फिर हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में डोनर और पेशेंट दोनों की सर्जरी साथ साथ होती है। इसमें करीब करीब 10 से 16 घंटे का टाइम लगता है और इसमें करीब करीब 25 से 30 लोगों की टीम पूरी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले डोनर का लिवर दो पार्ट्स में काटा जाता है और उसका एक पार्ट निकाल के पेशेंट में लगाया जाता है। पेशेंट का लिवर पूरा निकाल दिया जाता है और उसमें जो डोनर से लिवर लिया गया है वो लगा दिया जाता है। सर्जरी के बाद डोनर और पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। डोनर एक दिन आईसीयू में रहता है और पेशेंट को 5 से 6 दिन का टाइम लगता है आईसीयू में। उसके बाद उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। डोनर का डिस्चार्ज 5 से 7 दिन के अंदर हॉस्पिटल से हो जाता है। पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते का टाइम। हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद जो डोनर होता है उसको अपने नॉर्मल वर्क ज्वाइन करने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके बाद वो अपना नॉर्मल वर्क ज्वाइन कर सकता है। पेशेंट 2 से 3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और उसको अपने नॉर्मल वर्क ज्वाइन करने में करीब करीब 1 महीने का टाइम लगता है। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट 1 महीना यहाँ रहे हमारे आसपास, ताकि हम उसका जो ड्रग लेवल है वो सेट करके उसको घर भेज पाएँ और एक बार उसके लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाए तो हम उसको घर भेज पाएँ। सक्सेस रेट लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट्स के लिए करीब करीब 95% है। डोनर को बहुत मिनिमम रिस्क होता है क्योंकि हम उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्कअप करते हैं डोनर का, तो उसका रिस्क करीब करीब 0.5% के आसपास होता है। पेशेंट को 3 महीने शुरू में थोड़े से टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली कराने पड़ते हैं लेकिन ग्रेजुअली 6 महीने बाद उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग 1 या 2 मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन लिवर फंक्शंस। लिवर ट्रांसप्लांट आज की डेट में काफ़ी सेफ ऑपरेशन है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और एक बार अगर इससे रिकवरी हो जाती है तो पेशेंट बहुत सालों तक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू।